और ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, व्यापम से भी ज़्यादा, हरियाणा का जो शिक्षक घोटाला उससे भी बड़ा, और बंगाल का ममता बनर्जी का जो शिक्षकों का भर्ती का घोटाला है उसी घोटाले में यह भी दर्ज होगा। और आपने ऐप डाला है कि कोई भी शिकायत हो तो आप उसी ऐप के माध्यम से कीजिए, आपके झांसे में आ जाए, आप निर्णय लेंगे, आप न्यायालय हैं क्या? आप परीक्षा का संचालन मात्र करने के लिए। और जो बेरोजगारों का फौज और द्रौपदी के जो साड़ी का जो लगातार ये रहेगा वो आप 25 तक ले जाइएगा। मैंने कई इसमें कहा है कि यह जो है फर्जीवाड़ा और शिक्षक नियुक्ति 2025 तक चलेगा। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार में शिक्षा का गिरता स्तर, को एजुकेशन के कारण कितना प्रभावित हो रही है शिक्षा, और शिक्षा विभाग के ACS जो हैं के पाठक, उनकी आज भी जो दमनकारी नीति है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह आपको याद है वही जाने माने चेहरे शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी हैं। सैलू जी, पहले तो आपका स्वागत है। आज पहले जो सबसे मुख्य मुद्दा उठा है, दो तीन दिन पहले की आप बात आपको याद ही होगी कि कॉलेजिएट कॉलेज में जहाँ को एजुकेशन है वहाँ की छात्राएं जो हैं शिक्षा शिक्षक के ऊपर जो है कि गलत बैड टच करते हैं, गुड टच बैड टच, ऐसे ऐसे गंदी बातें करते हैं। संगीत विद्यालय एक है वहाँ के भी एक शिक्षक पे लगा, पास्को एक्ट लग गया, हेडमास्टर जो थी वहाँ वो सस्पेंड कर दी गई, शिक्षक जो हैं सस्पेंड कर दिए गए, आखिर ये हो क्यों रहा है? ये दौर शिक्षा में सुधार का है और शिक्षा विभाग के ACS श्री KK पाठक जी का प्रयास भी रहा है शिक्षा में सुधार हो। कुछ मामले ऐसे उठ रहे हैं अब, या ग्रामीणों का हस्तक्षेप हो रहा है या जहां को एजुकेशन है सह शिक्षा वहां छात्राओं का हो रहा है, छात्रों के प्रति हो रहा है, शिक्षकों के प्रति हो रहा है, ये तो गिरावट का संकेत है। इसके पूर्व भी धीवर हाई स्कूल के एक अच्छे छवि के शिक्षक, भाषा के शिक्षक, जिनकी विद्वता का कोई जोड़ नहीं है, वो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पत्रिका राज प्रभा के सह संपादक भी हैं और जिनकी लेखनी और जिनकी कविताएं और सुंदर शिक्षा प्रद कहानियां आज भी लोकप्रिय है हम शिक्षकों के बीच, और छात्राओं के द्वारा जो चारित्रिक हनन किया जा रहा है शिक्षकों का विशेषकर वैसे योग्य शिक्षकों का, उसी का जो दूसरा रूप परसों BN कॉलेजिएट के एक शिक्षक जो गणित के शिक्षक NCC ऑफिसर और अपने विद्यालय के सारे कार्यों को, चाहे वो बाहरी परीक्षा हो, आंतरिक परीक्षा हो, या किसी मामले का कोई अनुशासनात्मक जो कार्य हैं वो उनकी देखरेख में होती है। और दो तीन लड़कियों के द्वारा ऐसा लांछन लगाया गया कि यह बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। एक मिनट जरा सा रोकेंगे, जरा सा वो तस्वीर भी हम दिखा देते हैं कि लड़कियां कैसे लांछन लगा रही हैं। देखिए, जब हमारी सानिया गई थी वहां पे उनसे पूछने के लिए तो वो तस्वीर भी हमने दिखा दी है आपको, और एक तस्वीर हम और दिखाते हैं सैलू सर आपको कि जिस समय स्कूल का टाइम होता है बच्चे और बच्चियां ड्रेस में गांधी मैदान घूमते रहते हैं, बाहों में बाहें डालकर गांधी मैदान की कुर्सियों पर बैठे मिलते हैं, जरा वो भी तस्वीर दिखा दीजिए। और ये इसी पर हम आज बात कर रहे हैं सैलन जी से कि शिक्षा का गिरता स्तर,
अब इसमें आप ये बताइए कि कमेटी बनी, कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी दे दी, शिक्षक और प्रिंसिपल जो हैं वो सस्पेंड हो गए। इसमें अब जो है वो सरकार का अब क्या दायित्व तो बनता है? ये तो लड़कियां लगाते रहेंगी इस तरीके के आरोप, या फिर ये भी हो सकता है सैलू जी कि एक विद्यालयों में भी शिक्षकों की लॉबी है, एक लॉबी नहीं चाहती होगी कि ये शिक्षक आगे निकलें। मुख्य वजह क्या है इसकी? बिल्कुल, यह भी जो है सत्य है कि आपस में जो विद्यालय में शिक्षक पदस्थापित हैं, नियमित हैं, नियोजित हैं, अतिथि शिक्षक हैं, बीपीएससी के शिक्षक हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, 34,500 सुप्रीम कोर्ट वाले हो गए, कितने तरह के शिक्षक हैं, आपसी तो कटुता है, मनभेद है, मतभेद है और आगे पीछे होने की होड़ है। जब आज समाचार पत्रों में यह निकला कि शिक्षक और प्रधानाध्यापक निलंबित किए गए, तो मैं तो हतप्रभ रह गया कि एक महिला प्रधानाध्यापिका को किस आधार पर कहा जा रहा है कि इनको भी निलंबित कर दिया जाए। ग्रामीण कोई बोल दिया, स्वच्छता के नाम पर, शौचालय गंदा है के नाम पर शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया, सफाई नहीं है, कुछ कचड़े हैं तो इनको नगर निगम का प्रशासक बना दिया जाए पटना का, तो बिल्कुल सफाई और सुरक्षा सब एक साथ ही हो जाएगा। ये तो शिक्षा के नाम पर शिक्षकों को और शिक्षा में सुधार के नाम पर, और ये जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जो इंक्वायरी में गई, वो किस तरह की इंक्वायरी की? क्या वो समय अवधि में विद्यालय में जो निरीक्षण का कार्य चल रहा है दो बार, तो वो निरीक्षक पदाधिकारी क्या उस दिन उस विद्यालय में नहीं गए थे जो दोषारोपण प्रधानाध्यापिका पर हो रहा है और शिक्षक पर हो रहा है? दोषी निरीक्षक पदाधिकारी क्यों नहीं निरीक्षण किए, और उस दिन निरीक्षण क्यों नहीं हुआ दोनों समय? और दोनों समय अगर निरीक्षण हुआ तो वो निरीक्षक पदाधिकारी क्यों नहीं इस तरह का कंप्लेन विभाग को दिया कि यहां लड़की से छेड़खानी हुआ है और लड़की का बयान लिया? इसका अर्थ है कि निरीक्षण के नाम पर सारे जिला पदाधिकारी का कार्यालय से लेकर बीओ का कार्यालय का निरीक्षक पदाधिकारी सब उगाही में है और पाठक जी खाली देख रहे हैं, और पाठक जी केवल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, डाइट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन सैल जी, एक सवाल और, आजकल देखा जा रहा है कि पाठक जी को भी चापलूसी बड़ा पसंद आ रही है, जहाँ जा रहे हैं फूलों की बारिश करके उनके ऊपर फूल बिछाए जा रहे हैं। ये क्या भाई, आप एक IAS हैं, आप एक कर्मचारी हैं, ये क्या आप नौटंकी लगा के रखे? सेल्फी लेने की होड़ है और फोटो खींचने की होड़ लगी हुई है, लेकिन नवादा के निरीक्षण में उनको स्पष्ट हो गया उनसे कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किया है, शिक्षालयों की स्थिति नहीं सुधारी है आपने, और उस प्रिंसिपल ने बता दिया उनको, और पेड़ के नीचे आप इंस्पेक्शन किए हैं, भवन नहीं था और वहां हिम्मत इनकी नहीं हुई है बोलने की, ये भी है, और स्वीकारा है लोगों ने कि प्रशासनिक कमी है और आप स्वीकारे नहीं है इसको, और आपने 4-5 स्कूलों का वेतन बंद कर दिया। वेतन बंद करने का अधिकार आपको है क्या? उनके परिवार के लिए वेतन होता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और माननीय उच्च न्यायालय तक इससे संबंधित आदेश है कि वेतन पर अधिकार परिवार का ज़्यादा है, शिक्षक का कम है, और कई पाल्य उस पर पलते हैं, और साक्ष्य के बिना आप पॉस्को एक्ट और महिमा मंडित बिल्कुल और BN कॉलेजिएट का वह शिक्षक +2 में BPSC क्वालिफाई करके उसको नालंदा में ज्वाइन करना था और उस पर ये लांछन लगा के ये लड़कियां, जिसकी पारिवारिक स्थिति की जांच की जाए
मैं मांग करता हूं और इसकी जांच सीबीआई से हो, पदाधिकारियों से नहीं किया जाए, न्यायिक दंडाधिकारी से करवाया जाए, रिटायर्ड जज से करवाया। अब आप समझ सकते हैं, एक वो शिक्षक जो कि बीपीएससी क्वालिफाई करके निकाल लिया, नालंदा में उसको ज्वाइनिंग करनी है और उसके ऊपर लड़कियों ने कुछ तोहमत लगाई और उसको पास्को एक्ट दिया। वाह रे न्याय, पास्को एक्ट का नियम है कि डीएसपी लेवल का अधिकारी उस पर इंक्वायरी करता है उसकी, तब जाके वो मामला। और तुरंत किस तरीके से तुरंत पास्को एक्ट लगा दिया गया, इसकी तो कहीं ना कहीं एक बू आ रही है कि कुछ ना कुछ तो इसमें खिचड़ी पकाई गई है उस शिक्षक के लिए, कि उस शिक्षक को किसी तरीके से फंसा दिया जाए। अभी जो हालात है पटना में, शहरी क्षेत्र में, सदर में 10 स्कूल हैं लड़कियों का, लेकिन को एजुकेशन बीएन कॉलेजेट में कब शुरू हुआ? को एजुकेशन स्टार्ट करने का क्या कारण है? जबकि लोकेश्वरी, आर्ज कन्या, रविंद्र बालिका, बांकीपुर, अयूब गर्ल्स 8 स्कूल, लोकेश्वरी, बापू स्मारक 8-9 स्कूल सिर्फ लड़कियों का है, उसमें मात्र 10 लड़कियां पढ़ती है बॉयज के साथ। आज न कल हंगामा निश्चित है। मैंने आप मानते हैं कि को एजुकेशन होके छात्र जो शिक्षा का जो स्तर है कहीं ना कहीं गिर रहा है? बिल्कुल गिर रहा है। बच्चे जो हैं, लांछना तो आज शिक्षक पर है, कल बच्चों के साथ होगा। आज जो राजेंद्र नगर का एक शिक्षक जो है, संगीत शिक्षक राजीव मिश्रा, उस पर भी लांछन लगाया गया है। लांछन लगा देने से आप पॉस्को एक्ट और थानेदार, ये कौन क्यों नहीं आपने सुरक्षा की व्यवस्था की? आपके निरीक्षक पदाधिकारी 2 टाइम करने का आपने दिया है आदेश, वो क्या कर रहे थे उक्त दिनों में जिस दिन छेड़छाड़ हुआ लड़कियों का? क्यों नहीं उस पर होंगे उस दिन? नहीं गए हैं, कोई नहीं जाता है, ऑफिस में बैठ कर केवल निरीक्षण ये कर देता है, फॉर्म भर के भेज दिया। उपस्थिति शिक्षकों की उपस्थिति है और छात्राओं का लांछन है, को एजुकेशन कैसे शुरू हो गया बॉयज के स्कूलों में? मैं पटना में पैदा हुआ हूं, पटना में पढ़ा हूं, पटना कॉलेजिएट में भी को एजुकेशन है, पाटलिपुत्रा में को एजुकेशन हो गया, बीएन कॉलेजिएट में हो गया, सब टीके घोष में हो जाए, ये कहीं से भी उचित लग रहा है क्या? और उन छात्राओं को जब आर्ज कन्या, रविंद्र बालिका, जब उस टॉप लेवल के बालिकाओं के स्कूल उन छात्राओं, और वहां सीट खाली है और इनका एडमिशन हो गया, आपने प्रिंसिपल को इसमें दागदार बना दिया, उनकी छवि क्या हो गई? वह भी महिला थी और आपने महिलाओं से यह करवाया है, और उस महिला का क्या ही था, शिक्षक का क्या दोष था? इसलिए कि वो गेट बंद करवा के रखता है और 3 बजे से इन लोगों का भागना शुरू हो जाता है। अच्छा, आज न कल खुलेगा, अब तो आपराधिक मुकदमे होंगे, अभी तो पॉस्को लग रहा है, छेड़छाड़ का है, चारित्रिक हनन हो रहा है, इसके बाद आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे, शिक्षक और छात्र के बीच लड़ाई होगी, छात्राओं के बीच लड़ाई होगी इस अराजक दौर में। सर जी, हमारे पास समय कम है, एक सवाल, अंतिम सवाल और ले रहे हैं कि हमारे पास बहुत सी शिकायतें आ रही हैं कि बीपीएससी में जो शिक्षक या शिक्षिकाएं जो बीपीएससी क्वालिफाई की हैं, सरकार ने जिस समय कागजातों की जांच की उस समय बहुत कुछ पर ध्यान नहीं दिया, अब फर्जीवाड़ा निकल रहा है, तो उन लोगों का कहना है कि भाई उसी समय क्यों नहीं थम इम्पेशन से लेके फर्जी कागजातों की जांच हुई, जो बच्चे 1-2 नंबर से पिछड़ गए तो उनका तो कम से कम उनकी नौकरी लग जाती, इसमें कहां हुआ है गड़बड़ झाला, इसमें है क्या? इसमें दोषी शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग, 1,20,000 की भर्ती निकालते हैं, दोषी है। शिक्षा मंत्री है नहीं, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, व्यापम से भी ज्यादा, हरियाणा का जो शिक्षक घोटाला उससे भी बड़ा, और बंगाल का ममता बनर्जी का जो शिक्षकों का भर्ती का घोटाला है, उसी घोटाले में यह भी दर्ज होगा। अभी तो नालंदा में
कितने निकले हैं, एक एक माने प्रखंड में 12-15-10 से ज्यादा ही संख्या रह रही है, और सोच लीजिए 434 प्रखंड हैं। 450 प्रखंडों में कितने होंगे फर्जीवाड़ा? 5,000 तो ऐसे ही हो जाएगा साहब। अभी से भी देन लेन का व्यापार चल रहा है, कैसे बचेंगे कैसे नहीं, उंगली कैसे बनेगा। स्कॉलरों की भीड़ रही है, बहुत बड़ी प्रक्रिया हुई है, और आपने ऐप डाला है कि कोई भी शिकायत हो तो आप उसी ऐप के माध्यम से कीजिए, आपके झांसे में आ जाए, आप निर्णय लेंगे। आप न्यायालय हैं क्या? आप परीक्षा का संचालन मात्र करने के लिए है, और स्थिति को भयावह मत बनाइए, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मत कीजिए। अभी व्यक्ति की आजादी है, कानून का साम्राज्य है, पीछे नहीं हटेंगे शिक्षक। और जो बेरोजगारों का फौज और द्रौपदी के जो साड़ी का जो लगातार ये रहेगा, वह आप 25 तक ले जाइएगा। मैंने कई इसमें कहा है कि यह जो है फर्जीवाड़ा और शिक्षक नियुक्ति 2025 तक चलेगा, द्रौपदी का साड़ी समाप्त नहीं होगा। चीरहरण तो होता रहेगा लेकिन साड़ी नहीं समाप्त होगा। चीरहरण तो होता रहेगा लेकिन द्रौपदी की साड़ी जो है वो समाप्त नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसे कृष्ण रूपी लोग बैठे हैं जो कि द्रौपदी की साड़ी को समाप्त नहीं होने देंगे। हमारा मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा एक घोटाला बिहार शिक्षक भर्ती में हुआ है, जिसकी पोल जो है शैलेंद्र शर्मा और सलू जी ने खोली है कि व्यापम से लेकर पश्चिम बंगाल और हरियाणा का जो घोटाला शिक्षक घोटाला था, उससे भी आगे बिहार शिक्षक घोटाला निकलेगा। अब देखना है कि ACS KK पाठक क्या इस पर कार्रवाई कर पाएंगे, या फिर जैसा ये राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही हैं कि KK पाठक जल्द ही विदा होने वाले हैं। ऐसी तमाम खबरों पर बनी रही हमारी नजर, आप बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।